जस्ट कंप्लीटेड माई हिट कार्डियो। अभी जिम नहीं जा रही हूँ, एक हफ्ता हो गया है जिम जाने का, दिल ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं अपना मैट निकालूं और अपनी एक्सरसाइज घर पे फिर से स्टार्ट करूं जैसे पहले करती थी। बहुत बुरा हाल हो गया है। पहला दिन था ना तो ठीक ठाक, लाइक जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं ना तो मुझसे कैमरा भी पकड़ा नहीं जा रहा है, मेरे हाथ इतने टूट गए हैं। लेकिन जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, आपके पास मशीन होती है जो आपकी बॉडी पॉस्चर को सपोर्ट कर रही होती है। बट घर पे आप एक्सरसाइज करें, आप वैसे भी हिट कार्डियो डिफ़िकल्ट वर्कआउट होता है और ये आपकी हार्ट बीट को हाई रखता है और बहुत इंटेंस वर्कआउट होता है। तो कल मैंने कोशिश की थी करने की पर मैं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाई और मुझसे एक्चुअली स्टेप्स भी प्रॉपरली नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी प्रॉपरली स्टेप नहीं हो रहे थे। तो अब यहाँ की एम्बुलेंसेस, मैं आप लोगों को बता रही थी कल मैंने एक्सरसाइज करने की कोशिश करी और मैं मुश्किल से सिर्फ 15 मिनट कर पाई, उसमें भी मेरे सारे स्टेप्स ठीक नहीं थे तो उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रही। पर आज मैंने 20 मिनट्स की है और प्रॉपरली की है बिल्कुल। सो येस, आई एम हैप्पी फॉर टुडेज वर्कआउट और अब मैं फ्रेश होंगी, नमाज़ पढ़ूंगी जोहर की, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। बाय। हेलो जी, तो फ्रेश हो गए हैं, नमाज़ पढ़ ली है, नमाज़ पढ़ के मैंने कुरान भी पढ़ लिया है। किस्तान का बहुत पुराना, लाइक मेरी शादी से भी पहले का एक ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्योर सिल्क का है, खाड़ी का, और उसके साथ ये सब जितनी भी ये टसल्स वगैरह हैं ये सब साथ मुझे मिले थे ड्रेस के साथ ही। सो आई रियली लाइक इट, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं ना यहाँ पे तो थोड़ा इस तरह के कपड़े पहन लिए जाते हैं। चलें जी, अब हमारा कुछ खाने का टाइम हो गया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम ख़त्म हो गया है। मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए सुबह ये ड्रिंक बनाई थी, स्मूदी, जो मैं बनाती हूँ। बहुत दफ़ा इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसमें होती हैं। तो हस्बैंड को तो मैंने दे दी थी, अपना मैं वेट कर रही थी कि जब मेरा टाइम होगा तो फिर इसको पियेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी अपना ये सीड्स, और ये दो सीड्स हैं, इसके बारे में मैं एक वीडियो भी बना चुकी हूँ, शॉर्ट मेरा डला हुआ है सीड साइकिलिंग का, आप लोग जाके देख सकते हैं। वैसे तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं इस तरह की कोई स्मूदी बनाती हूँ ना, मैं उसी में 1 टेबल स्पून सीड्स का डाल देती हूँ। ये हैं फ्लेक सीड्स और पम्पकिन सीड्स, ठीक है? तो आपको इसमें डाल देते हैं। तो ये मैं इसमें डाल दूंगी एक बड़ा चमचा टेबलस्पून का, और इसको शिट यार, एक तो वीडियो बनाने में ना चीज़ें गिर जाती हैं फिर तो मुझे उलझन होती है। अच्छा, इसको रखे रखे टाइम हो गया ना तो फाइबर सारा ऊपर आ गया है और जूस नीचे चला गया, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये ना काफ़ी फुलफिलिंग होता है, मतलब अच्छा खासा इससे मेरा पेट भर जाता है अच्छा एक। और फिर जब इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि 16 या 18 आवर्स बाद आप कुछ खा रहे होते हो तो इट्स बेटर कि उस वक्त आप कुछ लाइट और कुछ फ्रूटी अपने। अच्छा हाँ, ये वो जो मैंने आप लोगों से हॉल शेयर किया था, मैं लेकर आई थी इसे, मैंने किचन में ऐसे यहाँ पर सेट किया है। चले मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ा सा किचन में भी कुछ चेंजेस हुई हैं। पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ वरना मुझे उलझन होती रहेगी बहुत ना, ये OCD वाला जो इशू है ना ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है। बट आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इतने नफ्सियाती हैं मेरी तरह क्लीननेस को लेके, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा तो देखें, ये टिश्यू मेरा रोल है जो मैं यहाँ रखती हूँ। इसके अलावा ये मैंने एक ब्यूटीफुल अपना टी कॉर्नर सेट किया है, कॉफ़ी कॉर्नर्स होते हैं लेकिन मैंने अपने घर में कुछ टी कॉर्नर बनाने की कोशिश की है। इसमें है शुगर, इसमें मेरे सारे ग्रीन टी हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की, और ये है नॉर्मल पत्ती चाय की जो होती है, और ये है एक बहुत हेवी सी चाइनीज़ कैटल। बेसिकली इसमें आप जो भी पत्ती या जो भी आपको डालना है वो डाल दें और इसमें पानी डाल के रखें, और फिर ये काफ़ी देर तक गर्म रहती है क्योंकि ये आयरन की है प्योर। तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि सुबह इसमें गर्म गर्म पानी कैटल से करके डाल दिया एंड देन मैं फिर इसको निकाल के यूज़ करती रहती हूँ। सो ये मेरा एक कॉर्नर हो गया,
और इसको हटा देते हैं। ये थोड़ी सी चेंजेस आई हैं किचन में। पहले मेरे यहाँ पे मसाले का स्टैंड रखा हुआ होता था, अगर आप लोग मुझे देखते हैं आप लोगों को पता है तो। और ये है वो मेरा ऑर्गेनाइज़र। इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे कप्स रख दिए हैं तीन जो हमारे यूटिलाइज होते हैं, वैसे तो दो ही यूज़ होते हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा अगर कभी गंदा है या यूज़ करना है तो। और इसके अलावा जो मेरा ये है ये यहाँ पे रखा रहता है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत रहती है। और मेरे सीड्स सामने रहते हैं। इसके अलावा ये जो हम स्टीविया यूज़ करते हैं ये सामने रहता है। और ये मेरा एक और है फाइबर ड्रिंक, यानी कि हाई फाइबर हस्क होता है बेसिकली, इसमें स्पगोल का हस्क भी होता है और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, फाइबर जेल। और ये ऑरेंज फ्लेवर में है, मैं इसको भी वीक में एक या दो दफ़ा ज़रूर लेती हूँ अपनी डाइट में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ रखी हुई हैं। और जो मसाले का स्टैंड था ना वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, उसने बहुत ज़्यादा मेरी जगह ली हुई थी। और आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे ऑयल के अलावा मैं थोड़ी और चीज़ें रखती थी अपने साथ, तो उन चीज़ों को मैंने अलग अलग जगहों पे ठिकाने पे लगा के यहाँ पे मैंने अपने सारे मसाले बग़ैर स्टैंड के इन बॉटल्स में रख दिया है। मुझे पता है मैं ही यूज़ करती हूँ तो मुझे पता है कौन सा कहाँ रखा है, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा मेरी ये नमक और काली मिर्च की, ये कुकर का चाहिए होता है फ़ौरन ही, ये हमारा जो 1 कैलोरी जो हम अपने फ्रायर के लिए यूज़ करते हैं वो, एंड देन ये ऑयल की बॉटल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो मुझे कुकिंग की चाहिए होती है, मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। बाकी यहाँ पे तो आप लोगों को पता ही है कि मेरी कैटल और मेरा एयर फ्रायर होता है क्योंकि यहाँ पे स्विच है। सो यस, किचन में थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। और एक और चेंज आया है किचन में जो कि बहुत ख़तरनाक तरीके से आया है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, उस पर कोई व्लॉग भी नहीं बनाया, वो है ये मेरा स्टोव पूरा चेंज हो चुका है। पहले की वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक्चुअली मेरे पास था वो हॉट प्लेट स्टोव था, मैं उसकी पिक्चर भी लगा दूंगी अगर मैं लगा सकी तो। और बल्कि आप लोगों, अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग मुझे पहले से देखें तो आप लोगों को पता ही होगा मेरे पास ये न्यू इंडक्शन स्टाइल का स्टोव नहीं होता था, मेरे पास वो हॉट प्लेट वाला था। बट सैडली लास्ट वीक की बात है, वो जो उसमें से जो ये वाली प्लेट थी लेफ़्ट साइड की प्लेट जिसको मैं सबसे ज़्यादा कुकिंग के लिए यूज़ करती थी, वो बर्स्ट हो गई। यस, एंड इट वाज वेरी स्कैरी, मैं घर पे अकेली थी और बहुत ज़्यादा उसकी वजह से ना, ये वाला जो पूरा काउंटर था अंदर से ये सब लकड़ी है, ठीक है ना, ये लकड़ी का होता है तो वो अंदर से, ये मार्बल नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में मार्बल्स होते हैं, दिस इज़ नॉट मार्बल, दिस इज़ ऑल वुड और उसके ऊपर इन्होंने ये कोई शीट लगाई हुई है मार्बल जैसी, तो अंदर से ना ये पूरी लकड़ी। अगर मैं आप लोगों को गौर से दिखाऊं तो आप लोगों को फील भी हो रहा होगा ये थोड़ा ब्राउन सा, तो ये अंदर से अंदर की पूरी लकड़ी बर्न होना शुरू हो गई थी। इट वाज रियली स्कैरी, बस अल्लाह ने बचा लिया मुझे, मैं घर पे अकेली थी और उसके ऊपर रखा हुआ भी मैंने कुकर था, तो इट वॉज वेरी स्कैरी। और मैं उस वक्त इतनी परेशान हो गई कि फिर उसके बाद मैंने इस चीज़ के ऊपर कोई व्लॉग भी नहीं बनाया। बट जितने भी लोग बाहर रहते हैं जिनके घर में ये हॉट प्लेट्स हैं, आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा केयर किया करें। अल्लाह अल्लाह करके फिर हमने सारा इलेक्ट्रिक का कनेक्शन निकाला और फिर हस्बैंड मेरे आगे बेचारे वो इतने परेशान हुए, मैंने इमरजेंसी नंबर बस अपने मोबाइल पर रखा हुआ था डायल करके। फॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो बर्स्ट होके यूँ पॉपअप तो हो रही थी जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, मैं अपनी आंखों से देख रही थी कि कोई चीज़ धड़ 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 करके बाहर निकलना चाह रही है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही है, बट लकीली वो बाहर निकल नहीं पाई जिसकी वजह से काफ़ी बचत हो गई और वो सिर्फ अंदर से सब उसने जला दिया। फिर हम अपने लैंडलॉर्ड्स को बताया, उन्होंने फ़ौरन बोला कि नहीं आप बंद कर दें। फिर 3-4 दिन तक हम लोगों ने घर पर खाना भी नहीं बनाया, मैं व्लॉग भी इसीलिए कुछ खाने का नहीं दिखा पाई, मैं काफ़ी परेशान रही थी इस चीज़ को लेके। बट देन लैंडलॉर्ड लास्ट वीकेंड, आज वेनसडे है ना, तो वो लास्ट सैटरडे से उन्होंने ये वाला स्टोव लाके लगा दिया, तो अब मेरे पास नया इंडक्शन भी आ गया है। आई एम सो हैप्पी, मेरा किचन पूरा ही रेनोवेट हो गया है, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन अल्लाह ने बहुत बहुत करम किया और बचा लिया, पता नहीं कौन सी नेकी अच्छा काम किया हुआ मेरे काम आ गया, वरना बड़ा बैड सीन हो गया था अगर वो फट जाता या आग पकड़ लेता तो। पूरा जो फ्लोर है हमारा, फ्लोर ही वुडन है ना, और फर्नीचर हर चीज़ अगर आग पकड़ लेता ना वो, तो बस फिर गए थे हम, बस थैंकफुली। खैर, बातें करते करते मेरा ये पीना भूल गई, मैं इसको जल्दी से फिनिश करती हूँ और इसको फिनिश करने के बाद हम अपने डिनर की प्रिपरेशन करेंगे।
बस आप लोगों से बातें करते करते व्लॉग आज का काफ़ी लंबा हो गया और इसको मैं यहीं पे एंड करूँगी। मैं इसको पीते पीते साथ में अपना आज का रूटीन देख रही थी और कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें देख रही थी, मैंने क्या क्या शूट करना है। इसके आगे भी मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया था, वो इंशाल्लाह आप लोगों से कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।